हेलो एवरीवन, स्वागत है मिनिस्ट्री ऑफ फूड्स में। दोस्तों आज रिव्यू करेंगे द गुड बोल की तरफ से राजमा चावल, और ये कॉम्बो था, इसमें राजमा चावल, पोटैटो शॉर्ट्स और एक ये स्वीट जीरा आए हैं। तो चलिए इन्हीं की क्लोज लुक दिखाता हूँ, बताता हूँ ये लेना ठीक रहेगा या नहीं। इसकी ओवरऑल कॉस्ट आई है 176, तो वीडियो में आगे बने रहिए। लुक तो देख ली, लुक तो काफी शानदार लग रही है। एंड चलिए टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले ये नींबू दिया, इसको हटाते हैं और देखते हैं, पहले राजमा खा के देखते हैं। राजमा अच्छा है, ठीक से कुक हुआ है। इसमें स्वीट कॉर्न्स हैं, कैप्सिकम है और बस थोड़े से ऑलिव्स के पीसेस हैं। तो एक बार इन सबको मिक्स कर लूं, उसके बाद इनको ट्राई करता हूं। अनियंस, कैप्सिकम, ऑलिव, ये क्या है, छोटे छोटे ये एलपिनो के पीसेस। बाकी तो यार पूरा सूखा सूखा ही है। राजमा इसके एक साइड में थे, बाकी नीचे के देखो, ये देखो नीचे के चावल पूरे सूखे हुए हैं। ये देखो इसको मिक्स करना पड़ेगा ठीक से। मैं मिलता हूं मिक्स करने के बाद। दोस्तों मिक्स तो कर लिया है, चलो खा के बता दो उनका टेस्ट कैसा है। स्वीट कॉर्न ऑलिव भी देखते हैं। देखो टेस्ट तो अच्छा है, बट इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम है। अब जैसे ये देख सकते हो मैंने सब मिला लिया, लेकिन फिर भी इतने चावल सूखे रह गए, नीचे पूरे सूखे हुए हैं। इनने राजमा की क्वांटिटी काफी कम दी है, बट टेस्ट ठीक है और क्वांटिटी भी बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हुआ इसकी क्वांटिटी से। क्वांटिटी इसकी सच में काफी कम है। बाकी ये जो है ये मकेन वाले वही पोटैटो शॉर्ट्स हैं, मकेन के ही है। ये स्वीट जीरा है जो मैं बाद में पीऊंगा, अभी नहीं पी रहा। यार ये तो सच में सूख गया यार, देखो ये देखो सूखे सूखे चावल अंदर, कहां गया राजमा पता नहीं। यार इतने चावल डाले, राजमा भी डाल देते अच्छा सा। देखो नीचे भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ राजमा है भी कि नहीं। नहीं है यार, सच में नहीं है। देखो ये देखो कहीं कोई राजमा नहीं है नीचे, और इधर के इतने चावल मेरे सूखे रह गए। ये तो यार पैसे की बर्बादी है एकदम। ठीक है यार, ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि आप इसको स्किप करना, क्योंकि राजमा की क्वांटिटी इतनी कम है, जब वो पूरे चावल में मिक्स ना हो पाए और आधे चावल रह जाए तो फिर फायदा क्या है ऐसे का यार। ये तो बिल्कुल ही पैसे वेस्ट, 176 का है ये, और मैं नहीं रिकमेंड करूंगा आपको, मत देना यार इसको, पैसे बर्बाद होंगे। ठीक है यार, बताओ इतना कम राजमा डाला क्या था ये, सूखे सूखे चावल खाऊं क्या मैं। स्वीट कॉर्न डाल दिए, ऑलिव डाल दिए, थोड़े थोड़े एलपिनो के पीसेस डाल दिए, और कैप्सिकम कुछ ज्यादा ही बड़े पीसेस हैं। ये देखो ये कैप्सिकम, अनियंस हैं, अनियंस ठीक ठाक हैं, लेकिन जब यार राजमा चावल में राजमा ही कम पड़ जाएंगे फिर खाने का मतलब क्या हुआ। ना यार ना, मूड खराब हो गया यार। चलो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, सूखे सूखे चावल खा लेता हूँ अब और क्या करूं, आ गए हैं, भूख भी लग रही है बहुत तेज। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए आप और नया क्या देखना चाहते हैं। ये इसको मैं कहूंगा कि आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। मतलब प्राइस ठीक ठाक है इसका, लेकिन उसके हिसाब से टेस्ट ठीक है और क्वांटिटी बिल्कुल नहीं जस्टिफाई करते वो पैसे। क्योंकि देखो जब राजमा चावल में राजमा कम पड़ जाए और चावल सूखे सूखे रह जाए फिर फायदा नहीं है ऐसी चीज देने का। तो बस यही था मेरा रिव्यू, आप इसको जरूर स्किप करें, इसको ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है।
एंड चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी मेंशनड है, आप वहां जाके फॉलो कर सकते हैं, मैं फोटोज वहीं पोस्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा।